आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ऑन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। मथुरा के किशोरी रमण महाविद्यालय के ग्राउंड पर दो दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। ये आयोजन जिला हॉकी संघ के सचिव शैलेश मिश्रा द्वारा स्वर्गीय श्रीमती ज्योति मिश्रा की स्मृति में आयोजित कराया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह ने किया। इस हॉकी टूर्नामेंट में 14 टीमों ने भाग लिया। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष कृष्ण वीर सिंह चौधरी द्वारा कहा गया कि इस प्रकार के टूर्नामेंट आगे भी कराए जाते रहेंगे। पुण्य आत्मा स्वर्गीय माता जी श्रीमती ज्योति मिश्रा जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे सेक्रेटरी साहब शैलेश मिश्रा जी, उनकी माता जी हैं और वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत रही हैं जीवन में। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और जिन ऊंचाइयों पर अपने संतानों को पहुंचाया, उसके लिए उनके लिए उनकी तारीफ है। आज केआर कॉलेज का ग्राउंड, जो प्राचार्य हमारे त्यागी जी, हमारे जो यहाँ स्पोर्ट्स हेड हैं भाई दलवीर जी और सारे स्टूडेंट्स यहाँ जो खेलते हैं, उन सबकी मेहनत से आज यहाँ और ये ग्राउंड जो बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत हरा भरा ग्राउंड, इसमें हॉकी का टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर कितना उत्साह और ज़बरदस्त इसमें भाग लेने के लिए, इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए ज़बरदस्त उत्साह लड़कियों में भी और उतना ही लड़कों में भी है। लड़कियों की टीमें हैं या 4 और 8 टीमें हैं बॉयज़ की। तो टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा और इसी के साथ मैं सभी जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। स्वर्गीय ज्योति मिश्रा जी की याद में ये टूर्नामेंट 2 दिन का यहाँ 2 दिवसीय हो रहा है। मैं सबसे पहले तो यहाँ के संघ के पदाधिकारी, जो हॉकी संघ है यहाँ का, सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका स्वागत करेंगे पट्टा पहनाकर हमारे साथी अमित गौतम जी, बुजुर्गों की याद में और खेल को प्रोत्साहन देने का ये काम उन्होंने किया। अभी टूर्नामेंट हुए थे टोक्यो में, ओलंपिक हुए, देश के प्रधानमंत्री ने शायद इतनी खुशी अपने चुनाव जीतने पर नहीं मनाई होगी जितनी टोक्यो में हम पदक लेकर आए। चाहे वो हॉकी में हो, चाहे महिला टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा हो, ब्रिटेन से हम 1 गोल से हारे महिला टीम हमारी, लेकिन वो पदक को छूते छूते हमारी महिला टीम रह गई, तो इतनी खुशी मनाई गई। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, भले ही हमारे विचारों से वो अलग हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को भी, उन्होंने अपने खिलाड़ियों का भी बहुत प्रोत्साहन किया और मोदी जी और नवीन जी हमारे संगठन के द्वारा किए गए जो प्रयास, उनकी वजह से आज हम हॉकी में, जो हॉकी भारत का एक पॉपुलर गेम था और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, वो भारत के ही खिलाड़ी थे, लेकिन ये थोड़ा ऐसा लगता था कि कुछ सालों में, दशकों में ये विलुप्त होती जा रही है, ये खेल हमसे अलग होता जा रहा है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा प्रयास किया, ऐसी दमदम खम दिखाई कि देश का नाम रोशन किया है, चाहे वो पुरुष टीम हो चाहे वो महिला टीम हो। भविष्य में भारत इसमें आगे जब होंगे ये गेम्स, तो निश्चित रूप से गोल्ड मेडल जीत कर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, खेल को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, आगे लाने का काम कर रही है, तो उनके प्रयास सफल होंगे और हमारे यहाँ अच्छे खिलाड़ी जो इस समय, चाहे किसी टीम कोई टीम हो, खेल तो खेल अलग अलग नहीं है, खेल में सभी खेल आ जाते हैं, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, सब में हम आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान का जैसा नाम है आज विश्वगुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ हिंदुस्तान, खेलों में भी ऐसे ही विश्व में
एक अलग स्थान होगा भारत का, ये मेरी शुभकामना है। आज हमारी माता जी श्री स्वर्गीय छोटी मिश्रा के याद में ये टूर्नामेंट करा रहे हैं हम सब परिवारजन और हमारा पूरा हॉकी संघ, पूरा ये केआरडीवी कॉलेज में जितने भी स्पोर्ट्स के प्रोफेसर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका बहुत बहुत सहयोग रहा है इस ग्राउंड को मैनेज करने में। और इस टूर्नामेंट में 8 टीमें बॉयज की हैं, सुबत्राई स्कूल की हैं, और 4 टीमें गर्ल्स की हैं, जिसमें 4 पुलों में बांटा गया है, दो दो टीमों को। इसका आज क्वार्टर फाइनल होगा, कल सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। 2 दिन का ये टूर्नामेंट है, आज से स्टार्ट होकर कल समापन होगा, क्योंकि हमारी माता जी का जन्मदिन 11 अक्टूबर का पड़ता है, तो उसी में ये टूर्नामेंट समापन होगा। और मुझे आपके माध्यम से सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आकर इस ग्राउंड को आज जगमग किया है। बच्चे स्टूडेंट्स जितने आज हॉकी खेलने आए हैं उतने ही देखने भी आए हैं, और मैं सभी अपने हॉकी संघ के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं मैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपने तन मन धन से सभी तरीके से मदद की।